फ्रेंड्स, मैं अनुभा, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पुणे की फेमस तंदूरी चाय। तंदूरी चाय बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये तीन हमें मिट्टी के बर्तन लेने हैं, जो आपको मटके बनाने वाले, गमले बनाने वाले के, बेचने वाले के पास इजीली मिल जाएंगे। यदि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दो कप दूध, 2 से 1.5 कप के बीच में हम दूध लेंगे और उसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल चाय बनाते हैं उसी तरह से। चाय को मैंने तेज आंच पे चढ़ा दिया। दो चम्मच भर के चाय पत्ती, आप जैसे चाय पसंद करते हैं लाइट डार्क उस तरह से बना लीजिए। दो चम्मच चीनी, कम ज्यादा पसंद करते हैं तो उसी तरह से डालिए। जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक हम ये जो मिट्टी का बर्तन है इसको आंच पे गर्म करेंगे, लो फ्लेम पे इसको गर्म करेंगे। इसको बीच बीच में हम पलटते रहेंगे जिससे कि ये गर्म हो जाए। ये देखिए चाय हमारी उबलने को है। अभी जब चाय हमारी बॉईल हो जाएगी तब हम इसमें ये थोड़ा सा अदरक और 2 इलायची जो कुटी हुई है इसको डालेंगे। इस बीच हम ये मिट्टी के बर्तन को पलटते रहेंगे ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। चाय अब हमारी बॉईल हो गई। अब हम इसमें कुटा हुआ अदरक और इलायची डाल देंगे जिससे कि अच्छा फ्लेवर आता है और इसको बॉईल होने देंगे थोड़ी देर। अब हमारा मिट्टी का बर्तन गर्म हो गया है। ये देखिए मिट्टी का बर्तन थोड़ा ब्लैक कलर का, लाइट ब्लैक हो रहा है, बीच से गर्म हो रहा है। इसका मतलब है मिट्टी का बर्तन अच्छे तरह से गर्म हो रहा है। चाय हमारी बॉयल हो रही है, इसको थोड़ी देर हम और बॉयल होने देंगे जिससे अदरक और इलायची का अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। ये अब हम अपने मिट्टी के बर्तन को अंदर से भी गर्म करेंगे जिससे कि बाहर से तो ये अच्छे से हो गया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको उल्टा रख दिया है जिससे कि ये अंदर तरफ से भी अच्छे से गर्म हो जाए। मिट्टी के बर्तन को हम सब तरफ से अंदर से भी अच्छे से गर्म करेंगे। इसके लिए हम बीच में फ्लेम को तेज भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर हम फ्लेम को फिर से धीमी कर देंगे। ज़्यादा समय के लिए तेज फ्लेम नहीं रहना है। अब हमारा मिट्टी का बर्तन काफ़ी गर्म हो गया, क्योंकि ये देखिए इसका कलर काफ़ी डार्क हो गया है और चाय हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। अब मैं चाय को छान लूंगी। चाय को मैंने बंद कर दिया, मैं चाय को छान ले रही हूँ। एक दूसरे बर्तन में हम चाय को छान लेंगे। चाय हमारी बनके रेडी हो गई है। इसमें बहुत अच्छी अदरक की खुशबू आ रही है और इलायची की। मिट्टी के बर्तन अब मेरा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैंने दूसरा एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें मैं मिट्टी के बर्तन रखूंगी। अब हम इसमें अच्छे से गर्म मिट्टी के बर्तन में चाय डालेंगे। देखिए चाय गर्म मिट्टी के बर्तन में कितनी उबाल ले रही है। इसे इसमें मिट्टी का सौंधापन आ रहा है, ये देखिए उबाल के निकल रही है बाहर। इससे बर्तन का, मिट्टी के बर्तन का पूरा सौंधापन जो है वो चाय में आ जाता है। यही तंदूरी चाय है जी। देखिए मिट्टी के बर्तन का पूरा सौंधापन चाय में आ गया है। अब मैं इसको वापस इसी में डाल दूंगी चाय। अब हमारी तंदूरी चाय रेडी है। ये बर्तन में ही सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये मिट्टी के छोटे छोटे कूलर हैं, इनको कूलर कहा जाता है। इसमें चाय में बहुत सौंधापन आता है इसमें चाय पीने से। बारिश का मौसम है, आइए मजेदार तंदूरी चाय का मजा लें। ये देखिए हमारा गर्म तंदूरी चाय तैयार है। बारिश के मौसम में ये बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगती है।